पंचायत से भी यहाँ बच्चा आकर उच्चतम शिक्षा पाकर एक अच्छी सर्विस की ओर और माँ बाप को एक अरमान को पूरा करता है बच्चा, तो आज उस अरमान को काहे अब तोड़ रहे हैं। एक बच्चा एक स्वाभिमान। आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे, मैं हूं आपके साथ सोनू सिंह। अभी हम बेगूसराय क्षेत्र के नीमा चंदपुरा प्रखंड के नीमा चंदपुरा गांव में हम पहुंच चुके हैं, जो यहां पे एक उच्च विद्यालय देखी जा रही है, जो हमारे सामने मौजूद है ये उच्च विद्यालय। और इस स्कूल का जो यहां का जो चार दीवारी है वो यहां के आप देख सकते हैं, यहाँ के बोर्ड जो है ये श्रीमती अमिता भूषण जो माननीय विधायक ये नीमा चंदपुरा क्षेत्र के हैं, उन्होंने आकर के दिनांक 20/12/2019 को शिलान्यास भी किए। मगर यहाँ के कुछ लोग जो ऐसे हैं दबंग प्रवृत्ति के जो लोग देखे जा रहे हैं यहाँ, ग्रामीणों का कहना जो है और उन लोगों का कहना है कि ये जो चार दीवारी बनने जा रही है, ये जमीन 8 फीट 4 फीट जो भी जमीन उनके घर के बगल के समीप में जो दिख रही है वो जमीन छोड़ करके चार दीवारी को बनाई जाए। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान भी हैं उनका भी कहना है कि ये जो जमीन है 4 फीट 8 फीट जो भी जमीन हो उसको छोड़ करके ही बनाई जाए। आखिर क्यों? यहाँ के हमारे साथ है कुछ HM सर भी हमारे समक्ष मौजूद हैं, और यहाँ के कुछ ग्रामीण भी आज गवर्नमेंट से और यहाँ के जो थाना अध्यक्ष जो उनके प्रति गुहार लगाए हैं, मगर वो भी सुनवाई करने इस पर पहल नहीं कर रहे हैं, ना कि इन पर सुनवाई की जा रही है। और इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन भी किए, जो माइक आप देख सकते हैं जो हमारे सामने इधर माइक भी लगा हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे आसीन थे, कुछ लोग भी अभी चले गए हैं, और मैं उन लोगों से बातचीत भी करवाता हूँ, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ कि इन लोगों का क्या कहना है। और जो ये लोग बगल के हैं जो यहाँ पे जो ग्रामीणों गवर्नमेंट और सरकार से जो ये और प्रशासन से जो ये गुहार लगा रहे हैं उनका क्या कहना है, और जो ये दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उनका क्या कहना है, आइए मैं उनसे जानते हैं। में बसना चाह रहे हैं हमारे समाज में, तो मन चलिए जनप्रतिनिधि चाहेंगे जिनको वो बसा सकते हैं, कोई तो होंगे नहीं बसने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिनको जनप्रतिनिधि चाहेंगे उनको बसा सकते हैं। इसका कितना जमीन है स्कूल का? 2 बीघा 8 कट्ठा 14 धूर है। कब से स्कूल है? 1956 से चल रहा है। और कब से ये अतिक्रमण जा रहा है स्कूल? ये तो अतिक्रमण तो मच लिया हम लोग को जन्म से पहले से धीरे धीरे होते रहा चलते रहा है। अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति व्यक्ति का नाम तो फिलहाल हम उतना नहीं बता पाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं अतिक्रमण में। कुछ छह लोगों का नाम बताइए। छह लोग को तो मान चलिए जिनका जिनका स्कूल के बगल में जमीन है वही लोग कर रहे हैं। क्या स्कूल? ये चंदपुरा थाना नीमा चंदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला बेगूसराय। क्या परेशानी है इस स्कूल में आप लोगों को? परेशानी यही है कि यहाँ चार दीवारी बनने की बात थी, और ये चार दीवारी जो है बनने में यहाँ के लोग जो हैं वो अपना स्तर से डील करते हैं, नहीं होने देते हैं। तो हम लोग का समाज का काम है कि जहाँ तक स्कूल का ज़मीन है वहाँ से तक ये स्कूल का चार दीवारी का निर्माण हो, स्कूल का जहाँ तक ज़मीन हो वो ज़मीन अपना स्कूल अपना कब्जा में कर लेगी तो अच्छा रहेगा। कौन नहीं बनने देते हैं यहाँ के जो समाज के जो व्यक्ति हैं? कौन व्यक्ति हैं? कोई व्यक्ति होंगे ना जी? आसपास के जो हैं ये नरेंद्र पासवान जी हैं। क्या है नरेंद्र पासवान जी? ये गांव के हैं व्यक्ति है। आम आदमी हैं या कोई जनप्रतिनिधि हैं? ये आम आदमी हैं। क्या दिक्कत है उनको? दिक्कत है कि उनका घर है स्कूल के बगल में। यही घर है? हाँ यही घर है। चल रहा है। आपका इस पे क्या ख्याल है? हम तो चाह रहे हैं जो बची बची जमीन है उसमें चार दीवारी बन जाए। इस पे आरोप क्यों लग रहा है? इस पे आरोप लग रहा है कि जो यहाँ अतिक्रमण किए हुए हैं जो बगल में बसे हुए हैं। कौन बसे हुए हैं वो अब उतना हम नहीं जानते हैं कौन कौन बसे हुए हैं। आप यहाँ अति नारा लगा रहे हैं, आप यहाँ पे बोल रहे हैं, नहीं हम आए हैं यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप पूछे तो हम बता रहे हैं। क्या देखे आप वही बताइए। हाँ तो वो देख रहे हैं कि इधर से जो बगल में जो बसे हुए लोग हैं उनका कहना है कि हमको स्कूल वाले जमीन से और लोग बसे हुए हैं इधर से बसे हुए नारायण पासवान है, महेंद्र पासवान है और भी आगे लोग हैं, ये सब कह रहे हैं जमीन बसे हुए या स्कूल के जमीन बसे हुए? स्कूल के जमीन में भी अतिक्रमण किए हुए हैं। क्या कहना है उनका? इसमें कहना है कि हमको 8 फीट का जमीन स्कूल के जमीन में और चाहिए।
क्यों चाहिए स्कूल में? जाने आने के लिए। क्या स्कूल में वो रुपया दिए थे? जी नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, दान देने वाले तो चले गए, इतना दान दे करके जिनको देना था समाज के लिए वो देकर चले गए। मुखिया जी का क्या कहना है? मुखिया जी का क्या कहना है वो तो वही जाने। आप जो स्थापित हुआ था 1971 में। आप इस स्कूल में क्या है? जी अभी प्रभारी प्रधान। प्रभारी प्रधान आप यहाँ पर कब से हैं आप? ये 5 वर्ष कहिए। हाँ 22 वर्ष लगे। परिवार में तो एक फरवरी 2019 से 2019 और मैं यहाँ जो मेरी नियुक्ति हुई थी 18 फरवरी 1997 उस समय से 22 साल मेरा ध्यान लगा था। एक साल पहले से आप यहाँ पे साल कम कम। क्या नाम है सर आपका? तैयबा। आपका सर इस पर क्या ख्याल है? जी मेरा ख्याल है कि स्कूल के हित में हो और स्कूल की ज़मीन जो बची हुई है वो ज़मीन बाउंड्री जो अभी अमिताभ घोषण श्रीमती अमिताभ घोषण के पद में आई होगी अभी। जी जी तो मांग उससे पहले जो अभी सिलेना से पहले डिमांड किया गया था क्या कहते हैं कि जो है 4 दीवारी दे दिया जाए। बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को, आज 22 साल से मैं देख रहा हूँ। आप वो तो आप कर दें तो 4 दीवारी के लिए कितना रुपया की राशि दी गई है सर? लगभग बताया गया था 11 लाख। जारी है काम? ये काम जारी है। फिर अड़चन ये क्यों होती है? अड़चन ये होती है कि पहले से कुछ लोग जो है ये किए हुए हैं। क्या किए? जमीन को अतिक्रमण किए हुए और जो नहीं किए हुए हैं और जो किए हुए हैं वो फिर किए हुए हैं। फिर चाहेंगे और थोड़ा सा हमारा रास्ता बन जाए और इधर मंदिर भी बन गया है जो नहीं बनना चाहिए था उस वक्त नहीं कर सके। बाहर के टीचर थे तो उन्होंने कुछ बोल सके रह गया तो बन गया तो ठीक है बन गया। आप यहाँ के HM प्रभार पोस्ट पे हैं। जी 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 जी। आपको कोई कदम उठाने चाहिए, छोड़नी है या नहीं छोड़नी है? आखिर इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं वो क्यों कदम उठा रहे हैं? क्या एवज है उनका उठाने का ये कदम? ये मेरे ख्याल से आप क्या है पंचायत? ग्रामीण है। आपका इस पर क्या कहना है? इसमें कहना है बहुत पहले बहुत लोग अतिक्रमण यहाँ कर चुके हैं। अब जो जमीन शेष बची हुई है वो जमीन को अभी अतिक्रमण ना करें और 4 दीवारी बनने दें यहाँ। और यहाँ जो दबंग प्रवृत्ति के लोग अपना दबंगता दिखाते हैं उन पर मैं प्रशासन से यही कहूँगा जो उनको मतलब उसको रोका जाए। देखिए कि कुछ लोगों का कहना है कि जो यहाँ के जो दबंग प्रवृत्ति के जो आदमी हैं उस पर जो स्कूल का जमीन है उस पर अपना हक नहीं जताएं और ये प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि जो ये जमीन को हक जताने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी सजा क्रासी कड़ी निगरानी की जाए और सजा दी जाए उनको। अगर जो स्कूल का जो क्योंकि ये गवर्नमेंट का जमीन है, ये एक स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे पंचायत का ये जमीन है। कोई पंचायत के बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 दीवारी नहीं बनी रहे तो हो सकता है बच्चा क्योंकि बगल में रोड है वहाँ भी जा सकते हैं। बच्चे का एक्सीडेंट बहुत बड़ा हादसा का कारण ये बन सकता है स्कूल के HM या यहाँ के ग्रामीण। लेकिन यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनका कहना है कि ये यहाँ की 4 दीवारी बनेगी 4 फीट 8 फीट जो भी जगह है वो छोड़ करके ही बने। आखिर क्यों? आइए बने रहिए बेगूसराय टुडे के साथ। इसी के साथ सोनू सिंह की।